देखो बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो है 4.1.3 डिम स्टेटमेंट। तो डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन। तो सबसे पहले इसकी जो लाइन देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जी डब्ल्यू बेसिक प्रोवाइड्स एन अरे फॉर स्ट्रिंग 10 एलिमेंट्स फ्रॉम सबस्क्रिप्ट 0 to 9। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जी डब्ल्यू बेसिक में जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स, उसका साइज़ जो है मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स का डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रॉम सबस्क्रिप्ट 0 to 9, 10 एलिमेंट्स का मतलब है ये 0 से लेके 9 तक एलिमेंट्स को स्टोर करवाएगा। वी हैव टू यूज़ द डायमेंशन स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट डिफरेंट। हम डिम स्टेटमेंट में हम मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। इफ सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन मैक्सिमम स्पेसिफाइड इज़ यूज्ड, अ सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर अकर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 0 से लेके 9 तक एलिमेंट्स को स्टोर करवाना था लेकिन मैंने वैल्यू 11 दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ रेंज एक एरर अकर हो जाएगा। मतलब जितना हमने साइज़ बताना है हम उतने एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करवाएंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस फॉर एन अरे इज़ 255। तो मैक्सिमम नंबर्स हैं अरे के लिए, डायमेंशंस मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस जो है हमारी अरे के लिए वो है 255। आगे सिंटैक्स देख लें, डिम स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट वेरिएबल यूज़ करना हो, या हमने बाय डिफॉल्ट तो वो 10 एलिमेंट्स को स्टोर करवाया है लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल 60 एलिमेंट्स 100 एलिमेंट्स साइज़ ऑफ अरे बतानी है तो उसके लिए हम डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमने एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल यूज़ करने हो तो हम डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। द कीवर्ड डिम इज़ अ शॉर्टहैंड फॉर्म ऑफ द वर्ड डायमेंशन। जो डिम है वो किसका शॉर्टहैंड फॉर्म है, डायमेंशन का। देर इज़ नो डिम स्टेटमेंट इन द अबव प्रोग्राम बिकॉज दिस प्रोग्राम हैंडल लेस दैन 11 वैल्यूज। इसका मतलब है कि हमने जो पहले प्रोग्राम लिखा अरे के लिए उसमें हमने डिम स्टेटमेंट इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो जो हमने वहाँ पे साइज ऑफ अरे जितने भी एलिमेंट्स देखे वो 11 से कम थे वैल्यूज़ उनकी। डिम इज़ यूज टू क्रिएट मेमरी वेरिएबल। डिम हम क्यों यूज़ करते हैं, मेमरी वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। इट स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर एन अरे वेरिएबल सबस्क्रिप्ट एंड एलोकेट स्टोरेज अकॉर्डिंगली। ये हम प्रोग्राम में देखेंगे कि अगर हमने जब मैक्सिमम, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यूज़ फॉर अरे वेरिएबल सब्सक्रिप्ट एंड एलोकेट स्टोरेज अकॉर्डिंगली। ये बेसिकली हम मैक्सिमम जो हमारी सब्सक्रिप्ट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको स्पेसिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स में एलिमेंट्स स्टोर करवाता है। When subscript variables are used in a program, जब हम subscript variable को program में use करते हैं तो कुछ information है जिसको हमने follow करना है। सबसे पहले name of subscript variable, उसके बाद size of subscript variable 7 का मतलब है 0 से लेके 6 तक एलिमेंट्स को हम स्टोर करवा सकते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, मतलब टोटल 7 वैल्यूज़ को हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो ऊपर जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम साइज ऑफ अरे बता देते हैं 7 और हम 8 वैल्यूज़ को स्टोर करवाने की कोशिश करवाते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स मेमोरी में वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जब हम 8th वैल्यू को स्टोर करवाएंगे लेकिन जबकि साइज ऑफ अरे हमारा कहता है 7 एलिमेंट्स है, मतलब हम 7 वैल्यूज़ को स्टोर कराते तो एक एरर जनरेट हो जाएगा। आगे वी कैन मोर डिफाइन मोर देन वन वेरिएबल इन वन डायमेंशन। हम एक डायमेंशन स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट वेरिएबल 1 एंड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल 2। उसके बाद सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और न्यूमेरिक भी हो सकती है। तो बेसिकली डिम स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, डिम स्टेटमेंट हमने एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्ट वेरिएबल को यूज़ करना हो या हमने 10 से ज़्यादा वैल्यूज एलिमेंट्स को साइज ऑफ अरे में बताना हो तो हम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ हैं, जब हम टोटल 10 वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट वो हैंडल कर सकते हैं अरे, लेकिन जब हमने 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ साइज़ ऑफ अरे बताना हो तो उसके लिए हम डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ओके बेटा।